हेलो दोस्तों तो आज मैं इनोवा हाई क्रॉस से रिलेटेड और भी डिटेल्स आपके लिए ले करके आया हूं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जा चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए तो आफ्टर द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ हाई राइडर हाईब्रिड कॉम्पैक्ट एस यू वी टो इज नाउ गियरिंग अप टू लॉन्च इनोवा हाईब्रिड और एज़ पर लीग डिन ये जो नई जेन एम पी वी होने वाली है इसका जो नाम होगा वो होगा इनोवा हाई क्रॉस इसका ग्लोबल डेब्यूट एक्सपेक्टेड है इन कमिंग वीक्स वाइल इंडिया लॉन्च जो होगा वो होगा फेबररी 2023 में थाईलैंड और इंडियन की बात करें तो जो करेंट जेन इनोवा है जिसको हम लोग इनोवा क्रिस्टा के नाम से जानते हैं वो इंडिया में सेल में है सिंस 2015 और ये अलॉन्ग साइड न्यू जेन इनोवा जिसको हम इनोवा क्रॉस के नाम से जानेंगे उसी के साथ कंटिन्यू रहेगी सेल में जैसे ही इनोवा क्रॉस लॉन्च होती है तो इसको डिसकंटिन्यू नहीं किया जाएगा तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न भी है क्योंकि ये जो कार है इसकी काफ़ी अच्छी डिमांड है स्पेशली अगर हम लोग इसकी डीज़ल इंजन ऑप्शन की बात करें तो इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि आप इसी से वो इसी चीज़ से अगर आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई इसका जो डीजल वेरिएंट है वो टोयोटा वालों को डिसकन्टीन्यू करना पड़ा था ड्यू टू हाई डिमांड तो इनोवा लवर्स के लिए भी दो ऑप्शन आपके पास में रहेंगे तो जिम का बजट थोड़ा सा कम है और जो सिर्फ प्रैक्टिकलिटी और टूरिंग से मतलब रखते हैं वो रेगुलर वेरियंट के साथ जा सकते हैं वाइल जिनको थोड़े और भी ज़्यादा फीचर्स चाहिए एक एंटायरली डिफरेंट एम चाहिए वो इनोवा हाई क्रॉस को ले सकते हैं तो अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना यही है लेटेस्ट बाइशॉर्ट्स ऑफ द अपकमिंग इनोवा हाई क्रॉस जो सबसे मेजर डिफरेंस आपको इसमें देखने को मिलेगा वो होगा इसका मोनोकॉप चेसिस ये गाड़ी मोनोकॉफ चेसिस के साथ आएगी अगर हम लोग करेंट जैन इनोवा क्रिस्टा की बात करें तो उसमें आपको लेडर ऑन फ्रेम चेसिस मिलता है तो जो फॉर्चूनर और हेलक्स है, है ना उसमें भी लैडर ऑफ फ्रेम चेसिस मिलता है दूसरे मेजर चेंजेस की बात करें तो उसमें आपको इंस्टेड ऑफ़ रियर व्हील ड्राइव सेटअप आपको फॉरवर्ड व्हील ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा तो जो टेस्ट म्यूल है उसमें भी आप देख सकते हो कि जो उसका रियर टेल लैम्प है वो इंटायरली डिफरेंट है और उसके अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन भी पहले से काफ़ी अलग है इसमें आपको बहुत से एडवांस टेक फीचर्स भी मिल जाएंगे जैसे कि एडास हो गया पेनारोमिक सन हो गया इसके अलावा ये अभी तक की सबसे पावरफुल और सबसे फ्यूल एफिशिएंट इनोवा होने वाली है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ऑल थैंक्स टू टोयटाज एडवांस हाइब्रिड सिस्टम तो जो टोयोटा का 2023 इनोवा हाई क्रॉस होगी इट विल ओनली बी ऑफर्ड विद पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिक हाइब्रिड ऑप्शन इसमें आपको डीजल इंजन का ऑप्शन नहीं मिलेगा सो so, फिलहाल तो अभी ऐसा कुछ 100% परसेंट कन्फर्म नहीं है बट येस एज़ पर रिपोर्ट्स ये सिर्फ पेट्रोल और हाईब्रिड ऑप्शन के साथ ही आएगी सो so, जैसे भी इसके रिगार्डिंग और कुछ इससे रिलेटेड डिटेल निकल करके आती है तो मैं आपको बता दूंगा अब इसके बाकी और चीज़ों की बात कर लेते हैं तो जो इनोवा क्रिस्टा है इट इज़ अंडरपिन बाय आई एम वी टू लेडर ऑन फ्रेम आर्टिटेक्चर यही सेम आर्टिटेक्चर फॉर्चूनर और हेलक्स में मिल जाता है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था तो ये जो प्लेटफॉर्म है इट इज़ नोन टू प्रोवाइड अ सॉलिड एंड कम्फर्टेबल हाईवे राइड जो कि ग्रेट है फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेज विद द एबिलिटी टू ओवरऑल हैवी लोड्स एंड ब्रोकन रोड्स दूसरे सबसे स्ट्रॉन्ग एट्रीब्यूट की बात करें करेंट जिन इनोवा क्रिस्टा की वो है इसका 2.5 पॉइंट फाइव लीटर डीजल इंजन दैट ऑफर्स एक्सीलेंट लो एंड टॉर्क एंड ड्राइवेबिलिटी तो जो इनोवा का रेगुलर वेरियंट होगा ना उसमें भी काफ़ी चेंजेस किए जाएंगे उसका भी एक फेसलिफ्ट निकाला जाएगा ऐसा ही नहीं कि जो करेंट जन मॉडल है उसी को ही ये लोग ऐसे ही लॉन्च कर देंगे उसमें भी आपको चेंजेस मिलेंगे देखने को हाँ ये है कि बहुत मेजर तो नहीं लेकिन छोटे मोटे चेंजेस जरूर कर दिए जाएंगे ताकि इसकी जो स्टाइलिंग है वो अप टू डेट रह सके इसके अलावा मैंने इससे पहले भी इनोवा हाई क्रॉस के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिस पर आपका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा था और उसके लिए थैंक यू सो मच और मैं यही चाहूँगा कि इस वीडियो में भी आप उतना ही प्यार दिखाएँ तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा अगर आप चाहते हैं इनोवा हाईक्रॉस के बारे में और भी डिटेल में तो जा करके इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा तो बात कर लेते हैं इसके इंजन की तो एज़ पर रिपोर्ट जो टू लीटर पेट्रोल इंजन है हो सकता है टोएटा उसको डिसकन्टिन्यू कर दे इन इसमें आपको 2.4 लीटर की डीजल मोटर मिले जो कि प्रोड्यूस करेगी 148 बीएचपी ऑफ पावर एंड 343 न्यूटन एंड मीटर्स ऑफ टॉर्क तो जो 343 न्यूटन फोर्टी मीटर्स ऑफ टॉर्क है ये आता है आपका मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी नोटोमीटर्स का टॉर्क आउटपुट प्रोड्यूस करती है अगर हम लोग इसके ट्रांसमिशन की बात करें तो ट्रांसमिशन ड्यूटीज़ आर कैरीड बाय अ फाइव स्पीड मैनुअल और अ सिक्स स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स तो जैसे ही इसके रिगार्डिंग और भी डिटेल्स निकल करके आती है तो मैं आपको ज़रूर बता दूँगा तो वैसे तो नवंबर में एक्सपेक्टेड है कि ये गाड़ी लॉन्च हो जाएगी अब देखते हैं किस डेट को होती है और जैसे ही हम लोग इसकी लॉन्च डेट के टूअर्ड्स बढ़ते चले जाएंगे, तो इसके रिगार्डिंग और भी डिटेल्स निकल करके आएंगी जो कि मैं आपको टाइमली अपडेट कर दूंगा। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा टिल देन टेक केयर बाय बाय थैंक यू वेरी मच